एक डांगरा ही दवाई और बताऊं सो आपने, जिसकी गाय भैंस नहीं चरती हो, चाट बिल्कुल नहीं खाती हो, तो उसकी सब 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम टमाटर और 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम मिर्च, चार चीज तो ये होगी। ही लाल नहीं लेनी से भाई, बिल्कुल भी हरी मिर्च लेनी से। धनिया सुको कर रहे हो? धनिया आ रहा। और भाई चार चीज और लेनी से, 50 ग्राम काला नमक, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक। इन सारिया ने भाई न कूट ले, अमाम जस्ता हो लो का उसमें, उसमें कूट की ने और पशु ने भाई ये 3 दिन दे दो, तो भाई पशु चरण लग जाएगा 100%। और फिर भी भाई कोई ना है चरे से इन दवाइयाँ तापनियाँ तो, भाई थोड़ी बहुत सलाह डॉक्टर की भी। फिर एक दवाई और से 250 ग्राम हरड़े और भाई 250 ग्राम फिटकड़ी, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो। फिटकड़ी भाई तो पर फुला लो चाहे कढ़ाइए, उसमें पानी नहीं गिरना कदे, कोई नहीं जाना। वह पतली तो पानी फुलाओगे जो अपना आप छोड़ देगी, वो पानी बड़े बड़े उसका और पतासा वर्गी हो जाएगी। उसने कूट की और हरड़ेगी में बुननी से मोटी मोटी हो जाए फूल की, वो दोनों चीज़ नारी नारी कूट की और भाई उसकी वह 3 खुराक बना की और डांगर ने दी, तो उन तभी चरण लाग जा सकते, अजमा ठीक हो जाए। चाट कम खाते, चाट कम खांदी हो, भूख कम लाग गई हो तो खूब चरण लाग जाए। गुड़ में देनी है? गुड़ में देनी से ये सामन नहीं अरडरिए, तो ये चीज से भाई। और कोई नुकसान मैं याद करूंगी भाई, और कोई देखूंगी डांगरा कितनी जरूर से भाई, जड राखियो बचा की वारी बड़े बखत भीतर बांध दे वारी बार ना काट सब नाम।